नहीं कब तक इस तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे, और मैं सोचता हूँ कि आप दोनों। अरे बेटा ऐसी बातें मत करो, ये व्हीलचेयर तो वक्ती सहारा है, तुम देखना इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। इंशाल्लाह मेरी जान, तुमने बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द चलने फिरने लगोगे। मैं आपको बता रही हूँ डैड, अगर आप उसे यहाँ लेकर आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शांजे मुझे ब्लेम कर रहे हैं ना आप, मुझे ब्लेम कर रहे थे सबरीना की वजह से। अगर आप उसे यहाँ पे लेके आएंगे तो मेरी बेटी के साथ ज्यादती होगी खावर। मैं ये सोचकर पागल हो रही हूँ कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। हम दोनों की लाइफ रुइन हो गई है मोहित। हाय दिल ही तो है। सबरीना तुम यहाँ बैठी हो, वहां खबर भाई आए हैं तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, चलो आके उनसे मिलो। क्यों आए हैं वो यहाँ, मुझे नहीं मिलना उनसे। आज अचानक उन्हें मेरी भलाई की याद आ गई, उनसे कहें वो अपनी यही भलाई संभाल के रखे अपनी फैमिली के लिए। मेरे सर पे यूं मजीद और एहसान मत करें। और इस बात कर सकती हो तुम, वो बाहर बैठे सुन लेंगे। तो सुन लेना, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपने बच्चों को सर से उतारकर दूसरों की झोली में फेंक दिया जाता है तो उनकी फिक्र की ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, और जो तुम ये बातें कर रही हो ना ये बहुत तकलीफ दे है। चलो चल के उनसे मिलो। किसी को मेरा एहसास क्यों नहीं है, आप लोगों को मेरी तकलीफ नजर क्यों नहीं आती। क्या गुनाह है मेरा, हाँ क्या गुनाह है मेरा, मेरा पैदा होना, मेरी माँ का मर जाना या फिर मेरे बाप का बेहिस होना, बताएं बताएं मेरा क्या गुनाह है। तुमसे तो मैं आके ना बाद में बात करती हूँ, जरा खबर भाई को देख लो पहले। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो तुम? कुछ बोलो ना, पहले भी हमेशा तुम ही बात शुरू करते थे, इनफैक्ट बात कर करके मेरा दिमाग खा जाते थे। हाँ ये तो है, लेकिन मैं तुम्हें सुनना चाहता, जो कुछ भी तुम सोच रही हो महसूस कर रही हो मैं चाहता हूँ कि सारी बातें तुम मुझे सुनाओ, ताकि मुझे भी जरा अंदाजा हो कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिल और दिमाग में। अच्छा, और तुम्हें मेरे दिल की बात जानने के लिए लफ्जों की जरूरत कब से पड़ गई? तुम तो बगैर कुछ कहे मेरे दिल की बात जान जाते थे। अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत असर एक्सीडेंट का तुम्हारे दिमाग पे भी हो गया। हो सकता है। पता है अबीरा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ठीक ना हो सका, सारी उम्र इस हालत में रहा तो। मोहित ऐसी नेगेटिव बातें मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, तुम चाहते हो कि मैं और डिप्रेस हो जाऊं। लेकिन फिर भी अगर मैं ठीक ना हो सका तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? For God's sake, मोहित तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखा, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही थी क्योंकि मैं मुझे पता था कि तुम ऐसी फजूल बातें शुरू कर दोगे। अच्छा लिसन, आई एम सॉरी। प्लीज अपना मूड ठीक कर लो,
तुम जानती हो मेरे लिए तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त करना इस व्हीलचेयर पे बैठने से ज्यादा तकलीफ है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। Do you understand me? बिल्कुल ठीक। अबीरा की बातों का गुस्सा तुमने खावर भाई पर क्यों निकाला? तुम जानती हो तुम्हारी वो सब बातें उन्होंने सुन ली थी, इसी वजह से वो यहां से चले गए। सबरीना, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मैंने तुम्हें बोलना सिखाया, अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाया मैंने तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हें किसी से बदतमीजी करना नहीं सिखाई। मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई ज्यादती कर रहा हो तो खामोश मत रहो, बोलो अपने हक के लिए। ये बात मैंने तुम्हें भी समझाई है और अबीरा को भी। क्या सोचते होंगे खबर भाई, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैंने क्या तरबियत की है उनकी औलाद की। कितना शर्मिंदा हुई हूं मैं आज, किसी के सामने मुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम दोनों ने। मम्मी प्लीज मुझे मत ब्लेम करें, आप इससे आदत होगी शायद। किसी और के सामने सर उठाने काबिल छोड़ा है तुमने हमें? बताओ, ताया अबू और ताया अम्मी की बेबसी तो आप जानती हैं, और मोहित की हैसियत का बस। और बंद कर दो ये इल्जामात का राग अलापना। अगर तुम 50,000 मरतबा भी कहोगी ना तो क्या मोहित ठीक हो जाएगा? नहीं ना, अरे वो नहीं ठीक होने वाला इस तरह से। तो तुम्हें चाहिए कि जाके उसको वक्त दो, उसे मोटिवेट करो, उसे यकीन दिलाओ कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वाह, अपाहिज मोहित हुआ है इन मैडम की वजह से, और यकीन दिहानियां मैं करवा? इससे क्यों नहीं कहती हूं कि जाके उसका ध्यान रखे, संभाले उसे और ठीक करके दे मुझे मेरा मोहित, पहले जैसा चलता फिरता नॉर्मल मोहित, जैसा उस दिन अपने साथ लेके गई थी। पता है अबीरा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ठीक ना हो सका, सारी उम्र इस हालत में रहा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हारून, थैंक गॉड तुमने कॉल कर ली। तुम ठीक हो अबीरा? सब खैरियत तो है? तुम्हें नहीं पता मैं किस तकलीफ से गुजर के आ रही हूँ। मोहित से मिल के आई हूँ। ओह हाँ, उसका क्या हाल है, कैसी तबीयत है उसकी? तबीयत तो ठीक है, मगर 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 क्या अबीरा? मगर वो मुझसे पूछ रहा था कि अगर वो ठीक ना हुआ, अपने पैरों पे चल ना सका तो कहीं मैं उसे छोड़ तो नहीं दूंगी। वो ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं? अबीरा देखो, ये तो ऑब्वियस है ना, जो उसकी फिजिकल कंडीशन है उस पे उसका ये सोचना बनता, बल्कि ना सिर्फ उसका, हम सभी ये सोच रहे हैं कि क्या क्या वो कभी नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएगा। वैसे अबीरा, तुमने उसे क्या जवाब दिया? उसकी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट करके उसके साथ लाइफ गुजार सकती है? हेलो,
बेटा खा लो ना थोड़ा सा और। नहीं मामा बस। खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? मैं ठीक हूँ, और वैसे भी ये खाने से इन बेजान पैरों में जान तो नहीं आ सकती ना। ये क्या बात हुई? इंशाल्लाह तुम्हारे पैरों में जिंदगी भी लौट आएगी और तुम चलना फिरना भी शुरू कर दोगे बेटा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसे ही। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा बेटा। चलो। अरे तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? इधर आओ, आओ ना। वो क्या? ओ भाई कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बोर हो गई हो मुझसे? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है बताओ? मुझे यहाँ आते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आंटी आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम बिल्कुल गलत सोचती हो बेटा। मैंने तो ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं लगाया तुम पे कि ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। बेटा ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, अगर तुमसे नहीं होता तो किसी और से हो जाता। किस्मत का लिखा तो कोई नहीं डाल सकता ना। मुझे माफ कर दे आंटी, मुझसे गलती हो गई। तुम बिल्कुल मेरी औलाद जैसी हो, जैसी मोहित है वैसे तुम। औलाद के लिए माँ का दिल तंग हो ही नहीं सकता बेटा, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। अच्छा चलो मेरा एक काम करो, ना मोहित खाना खा रहा है ना फ्रूट खा रहा है, इसे खिलाओ बेटा। मोहित भाई आप क्यों आंटी को तंग करते हैं? प्लीज खा लें थोड़ा सा। नहीं मुझे नहीं खाना। मैं आपके लिए कुछ और बना दूं? जैसे कि? जैसे कि जो आपको पसंद हो। फ्राइड चिकन? हाँ चलो ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। हेलो शांजी, कैसी हो? सब खैरियत तो है ना? ऑफ कोर्स सब ठीक है। तुम बताओ तुम कहाँ हो? इतने टाइम से कांटेक्ट नहीं किया, लगता है आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो। हाँ बस जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा हूँ, पाकिस्तान आना ना मैंने इसलिए। पाकिस्तान? हाँ। मगर अभी तो तुम गए थे, एकदम वापसी किस लिए? बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं खुद वापस आ जाऊँ। डैड का तो शायद अभी मूड नहीं है, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं उतना टाइम तुम लोगों के पास रह लूंगी। हाँ तो तुम्हें काम करना ना, तुम आकर इधर रह लेना अम्मी के पास, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान आना है सबरीना के लिए। ओ तो तुम सबरीना से मिलने आ रहे हो? हाँ, वो अपने एक्सीडेंट के बाद बहुत डिस्टर्ब है। I think she needs my support. मुझे वहाँ होना चाहिए। उसको किस चीज की सपोर्ट चाहिए? In fact, she is the reason a person is disabled right now. बेचारा सारी जिंदगी नहीं ठीक हो सकता। For God's sake, शांजी, तुम तो उसे ब्लेम मत करो। कुछ नहीं किया उसने। वो खुद इस बात से बहुत डिस्टर्ब है। मोहित भाई पानी में ना फेंक दूं आपको?
सुनो, अबीरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? पता नहीं, शायद अम्मी को पता होगा। ऐसा करें, आप उन्हें खुद क्यों नहीं कॉल कर लेते? ये भी बता दें कि आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मैं उसे मिस विस नहीं करता। मैं तो यूं ही कह देता हूँ उसे खुश करने के लिए कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ। पता है, उनसे दूर होकर भी मेरे दिल के बेहद करीब होती है। मिस तो उसे किया जाता जो आपके पास ना हो। अबीरा तो हमेशा मेरे साथ होती है। और मजे की बात बताऊं, जब मैं अकेला होता हूँ ना, उस वक्त वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होती है। चलिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। इतना ख्याल रखती है ना सबरीना मोहित का। हाँ, मुझसे भी ज्यादा सही तरीके से हैंडल कर लेती है। जब मैं अकेली घर में होती हूँ ना, मोहित ना किसी से बात करता है, ना खाता है, ना पीता है, बस चुप चुप रहता है, बहुत डिप्रेस रहता है। इसीलिए मैं बुला लेती हूँ सबरीना को। अच्छा करती हो उसे बुला लेती हो तुम। दोनों में दोस्ती भी तो बहुत है। मोहित कितना तंग करता है ना उसे। बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान अपने सिर्फ दोस्तों से कर सकता है, माँ बाप से भी नहीं करता। वो तो बेचारी अजाने के तौर पर आकर मोहित का ख्याल रखती है। असूलन तो अबीरा को आना चाहिए ना मोहित का ख्याल रखने के लिए। अरे, ये कैसी बात कर रही हो तुम भाई? अबीरा क्यों आके मोहित की जिम्मेदारी उठाएगी? कोई निकाह उसका हुआ होता तो फिर तो बात बनती थी ना। और वैसे भी ये सबरीना का आके अजाला करना मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो आ जाती है, मोहित का ध्यान बढ़ जाता है। गुड। शुजा, अगर हम सुबह ही से बात करें मोहित और अबीरा की शादी के लिए तो। ये क्या बात हुई? होश में तो हो तुम? ये मौका है, ये सिचुएशन है ऐसी बात करने की? शुजा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। इंशाल्लाह मोहित ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर भी कह रहे ना थोड़ी बहुत तकलीफ विल पावर से खत्म हो जाएगी। और अबीरा से ज्यादा उसको कौन सपोर्ट कर सकता है? दोनों की शादी हो जाएगी तो उसका ख्याल रखेगी। और बहुत अच्छा मौका है ना ऐसी बातें करने का, और खुद गरजी दिखाने का भी। क्यों, आपको भरोसा नहीं है कि मोहित अपने पैरों पर चलना शुरू कर देगा? अरे, मुझे डॉक्टर से ज्यादा अपने रब पे भरोसा है। जरूर अल्लाह ताला मोहित को इस आजमाइश से निकालेगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम किसी और को आजमाइश में डाल दें। शुजा, एक बार सबूही से बात करने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो मान जाए। बात सबूही के मानने की नहीं है, अबीरा की है। What? मेरी और मोहित की शादी, वो भी इस हालत में? मम्मी आप देखो बेटा, तुम दोनों ने शादी तो करनी है ना। आई मीन, चंद माह बाद होगी, और अगर अभी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आपको शादी मजाक लगती है? आपको लगता है कि मोहित इस कंडीशन में शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएगा? ठीक है मेरी जान, तो वो ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, चलने लगेगा। और अगर ठीक ना हो और मेरी से शादी होगी तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा आपने? देखो बेटा, प्लीज, तुम इस तरह की नेगेटिव बातें क्यों लाती हो अपने दिमाग में? मम्मी, मैं नेगेटिव बातें नहीं सोच रही। मम्मी, मैं आपसे पॉजिटिव बात ही कर रही हूँ। मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगी। अगर मुझे ठीक हो गया तो उसे शादी कर लूंगी, और अगर ना हुआ तो देखी जाएगी।
से आपने मोहित के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली, मुझे पता है कि आप सबरीना से कहेंगे कि मोहित से शादी कर लो नाला, कहेंगी खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम, और सबरीना का जिक्र कहां से आ गया इसमें? वो एक तुम्हारा मंगेतर है, अगर आज को उसको ये हादसा ना हुआ होता ना, तुम्हारी शादी हो रही होती। हाँ, अगर नहीं हो सकी शादी, सबरीना जो आ गई हमारे बीच में। हाय दिल ही तो है। आप लोगों ने सोचा भी कैसे इस वक्त इस बारे में? और अबीरा से बात करने से पहले एटलीस्ट मुझसे तो पूछ लिया होता एक बार। मेरी हालत है क्या कि मैं शादी कर सकूं? मेरी फिजिकल कंडीशन अलाउ करेगी मुझे? बेटे, तुम्हारी माँ को मैंने मना किया था, उससे पहले सुबूई से बात कर ली, अब वही बात तुम्हारे सामने दोहरा रही है। मैं तो यही चाहती हूँ ना कि तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अबीरा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी। तुम भी तो उससे बहुत मोहब्बत करते हो ना बेटा, उसकी खातिर तुम अपना हौसला नहीं गवाओगे? लेकिन मामा, मैं सिर्फ अबीरा से नहीं, आप दोनों से भी मोहब्बत करता हूँ, और उससे पहले मैं आप दोनों के लिए ठीक होना चाहता हूँ। सारी जिंदगी इस मोहताजी का बोझ आप लोगों पे नहीं डालना चाहता। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम बेटा? नहीं मामा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप चची जान को मना करें कि वो अबीरा से कोई बात नहीं करेंगी, वो माने या ना माने, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। और हाँ, जब मुझे करनी होगी तो मैं तब करूंगा जब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊंगा। जरा जाके उसे देखो। क्या हो क्या गया है मोहित भाई आपको? कल तक तो आप इतने बेसब्रे थे आप ही से शादी करने के लिए, और आंटी अंकल से बार बार झगड़ा करते थे कि शादी इतनी देर से क्यों हो रही है, और अब जब वो दोनों शादी के लिए राजी हैं तो आप? क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, और मैं उसे किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता जो उसकी बर्दाश्त से ज्यादा हो। मोहब्बत में किसी का इम्तिहान नहीं लेते सबरीना, और ना ऐसे दराय पे लाकर खड़ा करते हैं जहां पर उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए कि किस रास्ते का इंतखाब किया जाए। क्या आप भी आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं जितनी आप करते हैं? हाँ, यकीनन करती होगी, और अगर नहीं भी करती तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी मोहब्बत और दीवानगी काफी है हम दोनों के लिए। देखिएगा, आप इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम आपकी और आपकी की धूमधाम से शादी करेंगे। अब आपकी दवाई का टाइम हो गया। चले, बहुत सारी बातें हो गई, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं, सारी दवाइयां लेनी है आपने। मिलने नहीं आया मोहित से? क्यों? वो एक्चुअली मैं शहर में नहीं था, एक काम से लाहौर गया था, लेकिन मैंने मोहित को कॉल की थी, आई थिंक उसने बताया होगा तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं बताया, शायद सबीना को पता हो। पर आजकल वो उससे ज्यादा बात नहीं करता, and to be honest मुझे भी नहीं पता कि मैं उससे क्या बात करूं। क्या क्या मतलब तुम उससे बात नहीं कर सकती? I don't get it। हारून, तुम समझ नहीं रहे हो,
मोहित मुझसे बात नहीं करना चाहता, इसे सबरीना की कंपनी पसंद है। सीरियसली? हैरत हुई ना सुनकर। तुम्हें पता है आज मोहित की इस हालत की जिम्मेदार सबरीना है, और मेरा दिल चाहता है कि उसका गला दबा दो, लेकिन मोहित और सबरीना की दोस्ती वैसी ही है जैसे एक्सीडेंट से पहले थी। जब उससे 18 घंटे तो मोहित के पास होती, शायद वो उसकी कंपनी एंजॉय करता, और तुम्हें सबरीना को रोकना चाहिए, तुम ये कर सकती हो। ऐसा होता तो मैं सबरीना को कब से मोहित के क्लोज आने से मना कर देती। पर तुम जानते हो कि सबरीना की वजह से मोहित का एक्सीडेंट हुआ, इससे कोई कुछ नहीं कहता। मैं कहूँ तो बुरी लगती हूँ मोहित को भी। वेल, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। माना कि सबरीना उसकी दोस्त है, लेकिन वो तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकती ना। और रही बात मोहित की, तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है ये सब कुछ करके। किसी बात का तो अफसोस कि मुझे हमेशा सबरीना को मुझ पे अहमियत दी है। इनफैक्ट जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उसे मुझ सबरीना की वजह से मुझसे झगड़ा करके गया। तुम्हें पता है मुझे लगा कि मैं मोहित की सेवा में सबसे अहम हूँ, और इस कमाल में मैंने कभी उनके क्लोजनेस या फ्रेंडशिप को नोटिस ही नहीं किया। लेकिन अब भी मेरा भरम टूटता जा रहा है। और उसने सबरीना को मेरी जगह दे दी। ये तस्वीर देखो, और अबीरा की शक्ल भी। गेस करो कि मैंने उसे क्या कहा होगा। मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप ही का जितना मूड ऑफ है ना, जरूर आपने कोई ना कोई बात की होगी। अरे मेरी क्या मजाल कि मैं अबीरा से ऐसा कुछ कहूँ। बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी का डे था और हमारी फर्स्ट पिक्चर। और पता है उस दिन मैंने उसे कहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में इतने सारे हैंडसम लड़के हैं, किसी की तरफ देखना नहीं, क्योंकि शादी तो तुम मुझसे ही करोगी, लिहाजा अब तो टाइम मत वेस्ट करना है लोगों पे। ये भी ठीक है। आपसे एक बात पूछूं मोहित भाई? हाँ पूछो। आप ही की और हारून भाई की दोस्ती से आपको कोई एतराज नहीं है? अब मेरा मतलब है कि बहुत क्लोज हैं वो। नहीं, मुझे क्यों इशू होगा, और दोस्त तो होते ही क्लोज है। अगर देखा जाए तुम भी मेरी दोस्त हो, हम दोनों भी क्लोज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अबीरा को हमारी दोस्ती से कोई एतराज है। हाँ, लेकिन आप ही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरा आपसे इस तरह बात करना। अरे नहीं यार, वो पोजेसिव है मेरे बारे में, शदीद मोहब्बत करती ना मुझसे, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई मेरी तरफ भी देखे। और तुम अपनी बात कर रही हो, उसे तो शायद मामा और बाबा से भी शिकायत होगी इस मामले में। पागल लड़की। काश आप भी आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं जितनी आप उनसे करते हैं। पता है कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत को जीते, और मैं तो अबीरा की मोहब्बत को जीता हूँ। सिर्फ उसी की मोहब्बत मैं जीना चाहता हूँ, बस उसी के साथ। यार मेरी कंडीशन, ये व्हील चेयर उसके। कोई बात नहीं मोहित भाई, सब ठीक हो जाएगा और आप पहले की तरह चलने लगेंगे। फिर आप अबीरा आपके साथ वैसी ही जिंदगी गुजारिएगा जैसी आपने सोच रखी। मुझे हैरत है कि मोहित सबरीना को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकता है। सबरीना का उससे जो भी रिश्ता है वो है तो तुम्हारे ही थ्रू। एट द एंड ऑफ द डे तुम उसकी फियांसे हो, तुम्हारे साथ ये करके तो बहुत अनफेयर कर रहा है। हम सबरीना को नहीं जानते, उसे हर एक की तवज्जो लेने आती है। पता, बचपन से मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया,
ताया जा रहा। और अब मोहित तुम मुझे एक बात बताओ, हाँ क्या मैं कोई नर्स या मेड जो उसकी तीमारदारी के लिए मुझसे शादी कराती जाए? और तुम्हें क्या लगता है इन हालात में मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए? बताओ। मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करनी चाहिए। क्या वो नहीं जानता कि अगर इस हालत में उसने तुमसे शादी की तो अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा? Exactly. अम्मी और ताईजान मेरे पीछे लग गए शादी के लिए, और अगर मैंने मना कर दिया तो मुझसे बात नहीं करेंगे। मोहित को इस हालत में सबीरा ने पहुंचाया, मैंने नहीं। और ससा मैं भुगतू? हाँ, सुलन तो ये सब कुछ सबरीना के जिम्मे होना चाहिए, पर क्या वो निभा सकती है एक डिसेबल्ड शख्स की रिस्पांसिबिलिटी? खैर तुम इतना मत सोचो, तुमने मना कर दिया है ना, तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र करो। और वहां सबरीना तो सबको इंप्रेस कर रही है, मौत की नर्स बन के मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। तो छोड़ दो ना उसे उसके हाल पर, हो सकता है जगह तुम्हारी हो ही ना। और अबीरा मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूं, कभी भी खुद को अकेला फील मत करना, और ना मैं तुम्हें ऐसा फील करने दूंगा, आई प्रॉमिस। रही बात आंटी की नाराजगी की, तो वो ठीक हो जाएंगी, तुमसे ज्यादा देर कोई खफा रह भी नहीं सकता। पता है कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत को जीते, और मैं तो अबीरा की मोहब्बत को जीता, सिर्फ उसी की मोहब्बत मैं जीना चाहता हूं, बस उसी के साथ। सबरीना। जी मम्मी। बेटा मोहित कैसा था? वो तो ठीक है, अब आप मिलने तो गई थी ना आज उनसे? हाँ, लेकिन मैं किसी और हवाले से पूछ रही हूँ उसके बारे में। अब तक तो उसे पता चल गया होगा ना कि वीरा ने शादी से मना कर दिया है। मम्मी मोहित भाई तो पहले ही आंटी अंकल को शादी से मना कर चुके हैं, उनका कहना है कि वो आप ही को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहते और ना ही इन हालात में उन पे बोझ बनना चाहते हैं। कितना बड़ा दिल है ना मोहित का, वो अबीरा को इम्तहान से बचा रहा है। और अबीरा, उसने तो यहाँ मोहित के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मोहित भाई तो ये कहते हैं कि मोहब्बत में इम्तहान नहीं लिया जाता और ना ही दूसरे इंसान को किसी दुराहे पे लाके खड़ा किया जाता है, मोहब्बत में बिछे कांटे भी चुन लिए जाते हैं। लगता है मोहित आजकल तुमसे सिर्फ अबीरा के बारे में ही बात करता है ना? बहुत सारी बात है, और आपको पता है उन्हें तो बिल्कुल भी ये कंसर्न नहीं होता कि मुझे उनकी बातें समझ भी आ रही हैं या नहीं। वो बस बोलते रहते हैं, अबीरा आपी की बातें करते रहते हैं हर वक्त। मुझे हापी की किस्मत पर रश आता है, और आप यकीन करें मैं हर वक्त अल्लाह मियाँ से यही दुआ करती हूँ कि मोहित भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और मोहित भाई की और आपी की धूमधाम से शादी हो जाए। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अच्छा अब बेटा प्लीज़ तुम अपनी पढ़ाई पे ज़रा ध्यान दो, तुम प्लीज़ मोहित से हेल्प ले लिया करो, इस तरह से उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा और वो डिप्रेस भी फील नहीं करेगा। ठीक है मामी। सपोर्ट कर रही है मोहित को अपनी चाहेती के, उसकी तो शुरू से प्लानिंग थी उसके सर पे सवार रहना। लेकिन मैं तो ये चाहती थी कि तुम हर लम्हा मोहित के साथ रहो, इसलिए तो तुम्हारी और मोहित की शादी की बात की थी, मगर तुम मम्मी मुझे एक बात बताएं, क्या मैं वाकई में आपकी सगी बेटी हूँ?
ऐसा तो नहीं कि मैं अडॉप्टेड हूँ और सबरीना आपकी बेटी। तुम मेरे माँ होने पर सवाल उठा रही हो, शक कर रही हो तो मुझ में, तो आप मेरा उतना ख्याल क्यों नहीं रखती जितना आप सबरीना का रखती हैं? उससे आपने मोहित के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली, तुझे पता है क्या आप सबरीना से कहेंगे कि मोहित से शादी कर लो नाला? कहेंगी खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो, ऐसी बातें कर रही हो तुम, और सबरीना का जिक्र कहां से आ गया इसमें? वो एक तुम्हारा मंगेतर है, अगर आज को उसको ये हादसा ना हुआ होता ना, तुम्हारी शादी हो रही होती। हाँ अगर नहीं हो सकी शादी, सबरीना जो आ गई हमारे बीच में, झगड़ कर गया था उस दिन भी मुझसे, इसकी वजह से मुझे क्या पता था कि उस दिन वो हमेशा हमेशा के लिए मोहित को मुझसे छीन लेगी। तुम्हारी जिंदगी में सबरीना को ड्राइविंग सिखाने के अलावा भी कोई और काम है क्या? नहीं, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मोहित मतलब ये कि हमारी शादी में 2 हफ्ते रह गए, लेकिन तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा। हाँ लेकिन ये जरूर याद होगा कि इसको ड्राइविंग कब सिखानी है, इसको फ्रेंड के घर से पिक कब करना है। यार अबीरा क्या हो गया तुम्हें, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो, वो भी सबरीना के सामने, बेचारी क्या सोचेगी? ये क्या सोचेगी, तुम्हें सबकी परवाह है बस मेरी परवाह नहीं है मोहित। अरे यार अबीरा, अबीरा मोहित भाई आज रहने देते हैं ना, आप ही का मूड भी ठीक नहीं है। क्या रहने देते, मेरी बात सुनो, तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट आज ही होगा ओके, और जहां तक उसकी मूड की बात है ना, वो शायद किसी बात पे खफा है जिसका गुस्सा हम पर निकल रहा है, मैं वापस आकर देख लूंगा। मगर मोहित भाई आप... अरे यार सब छोड़ो, गाड़ी में बैठो प्लीज। हाय दिल ही तो है।